इतना शोर लोग क्यों मचाते हैं? कौन है ये बदतमीज आजकल रोज आ रहा है? हेलो एवरीवन, इट्स पिकू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे बार कोड्स। तो बार कोड्स क्या होती है, उनकी क्यों ज़रूरत होती है, वो सब हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बार कोड्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये कोड प्ले कर रही हूँ विच इज़ जी मेजर। तो मैं अगर ये कोड प्ले कर रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी इंडेक्स फिंगर जो है वो थर्ड फ्रेट को बार कर रही है। अगर मैं ये प्ले करती हूँ तो मेरी इंडेक्स फिंगर जो है फिफ्थ फ्रेट को कर रही है। मान लो अगर मैं ये प्ले करती हूँ तो इसमें मेरी इंडेक्स फिंगर है थर्ड फ्रेट को बार कर रही है टिल फिफ्थ स्ट्रिंग, नो सिक्स स्ट्रिंग। अब मान लो मैं अगर ये प्ले करती हूँ, इसमें फिर से मैं थर्ड फ्रेट बार कर रही हूँ। अब मान लो अगर मैं ये प्ले करती हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ बार कोड, इसमें मैं इंडेक्स फिंगर जो है वो इन तीन स्ट्रिंग्स में बार कर रही हूँ। सो टोटल हमारे पास पाँच तरह की बार कोड्स होती हैं। एटलीस्ट जो मैंने प्ले किए हैं वो सिर्फ फाइव टाइप्स की किए हैं, मुझे नहीं पता उसके अलावा भी होती हैं कि नहीं, पर मैंने फाइव टाइप की बार कोड किए हैं। ई शेप बार कोड, ए शेप बार कोड, सी शेप, डी शेप एंड जी शेप। तो मैंने ये पांच तरह की बार कोड्स प्ले किए हैं। आज हम सीखेंगे ई शेप बार कोड। तो बार कोड हमारे लिए ज़रूरी क्यों होती है, अभी हमने लास्ट वीक हमने लेसन किया था जिसमें हमने सारी की सारी बेसिक कोड सीखी थी। तो उन बेसिक कोड्स में अगर आपने ध्यान से देखा हो, कोई भी बी शार्प, ओके बी शार्प नहीं होता, ओके कोई भी शार्प या फ्लैट कॉर्ड्स नहीं थी, लाइक ए शार्प या जी शार्प या बी फ्लैट या सी शार्प। हमने जितनी भी कॉर्ड्स की उसमें किसी में भी हमने ये कॉर्ड्स नहीं किए, लाइक सी माइनर होगी, एफ माइनर होगी, यूजुअली हम इनको बार कॉर्ड्स में प्ले करते हैं। तो जितने भी शार्प्स वगैरह या फ्लैट कॉर्ड्स होती हैं वो हम नॉर्मली ओपन कॉर्ड्स में उनको प्ले नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बार कॉर्ड्स प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ई शेप बार कॉर्ड। तो ई शेप बार कॉर्ड का मतलब क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखो, हमने जो लास्ट वीक किया था उसमें ये थी हमारी ई माइनर, दिस इज़ ई माइनर, ओके एंड दिस इज़ ई मेजर, ओके। अगर आपको इस फिंगर्स, इन तीन फिंगर्स हमने ये चीज़ सीखी थी, अब आपको ये करनी है इन तीन फिंगर्स के साथ, ओके नो इंडेक्स फिंगर। तो कैसे करेंगे, ये हमारी बन जाएगी ई माइनर और ये हमारी बन जाएगी ई मेजर। सेम वही चीज़ है, बट हम इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, ये, ठीक है, इन तीन फिंगर्स की जगह हम कर रहे हैं ये, ओके। तो ये फिंगर हमारे पास होगी फ्री, हमने इस फिंगर को फ्री इसलिए किया है ताकि हम बार कर सकें। इसको ले जाओ एक स्टेप आगे, ये बन गई हमारी एफ कोड, एफ मेजर। तो ये हमारी थी ई मेजर, ये है एफ मेजर, ओके। अब एक स्टेप आगे चले जाओ, ये बन जाएगी एफ शार्प मेजर। अब एक स्टेप आगे चले जाओ, जी मेजर। तो बेसिकली हमने किया क्या है, ये हमारी होती है ई मेजर। इसको इस तरह से प्ले करने के बजाय हम प्ले कर रहे हैं इस तरह से, तो ये बन गया, ओके ठीक है ना, ये हाँ, तो ये बन गया ई मेजर विद डिफरेंट फिंगर्स, ओके। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ई मेजर में भी बार है, अगर आप ध्यान से देखो ई मेजर में बार का है, ये नट जो है वो बार का काम कर रहा है, देखो ध्यान से ये शेप, बस यहाँ पे नट आ गया, तो वो काम हमारी फिंगर की बजाय नट कर रहा है, तो ये बन गया ई मेजर। पर आगे जाके आपको बार चाहिए होगा क्योंकि ये नट यहीं पे है, ये मूव नहीं कर सकता, तो आपको अपनी फिंगर यूज़ करनी है टू बार द फ्रेट, तो अब बार करोगे। अब बार कैसे करेंगे, देखो ये भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अभी आपने सीखा होगा इससे करना, फिर आपको अब जानना पड़ रहा है कि अब आपको नए तरीके से भी मेजर प्ले करनी पड़ रही है, सो ridiculous, I know it's difficult, बार कोड सीखने में टाइम लगता है। मैंने एक बार एक पर्सन ने मुझसे पूछा था कि मुझे दो हफ्ते हो गए हैं बार कोड्स प्रैक्टिस करते हुए, मैंने बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया। बेटा आप अभी सिर्फ दो हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हो, दो तीन महीने तो करो कम से कम। सो अभी हमने करी है ई मेजर शेप की बार कोड, अब ई माइनर करते हैं। तो ई माइनर क्या थी, दिस वॉज ई माइनर, दिस वॉज ई माइनर। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे दीज टू फिंगर्स, तो ये बन गई हमारी ई माइनर। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली बार है तो इसलिए हम बार नहीं करते, हम ऐसे ही प्ले करते हैं। अब हमें बार करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार होगा, ओके बार यहाँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो जब हम ई माइनर प्ले करते हैं, ई माइनर प्ले करते हैं तो ये फ्रेट खाली रहता है ना, बार यहाँ पे है,
नट पे जो बार है वो यहाँ पे है और ये फ्रेट जो है वो खाली रहता है। तो जब आप आगे बार करोगे तो आपको इसी तरह से करना है कि ये फ्रेट खाली रहेगा और उसके सामने वाला फ्रेट जो होगा वो बार होगा। और ये फिंगर हम अभी इसमें यूज़ नहीं कर रहे, पिछली बार में तो हमने करी थी यूज़ क्योंकि ई मेजर में ये यूज़ होती है, तो जब हम आगे गए तो हमने इसको यूज़ किया था, पर इस टाइम हम इसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम माइनर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि माइनर में ये फिंगर यहाँ पर यूज़ नहीं होती है। अब ये हम यहाँ पर बार कर रहे थे, ये कौन सी बनी, एफ, दिस नोट इज़ एफ, दिस नोट इज़ एफ, सिक्स स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट पे जो नोट है वो एफ है, तो ये एफ मेजर बनती है। ओके, अब मान लो अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो ये जो नोट है वो है जी, दिस नोट इज़ जी, थर्ड फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग इज़ जी, तो ये बनेगा जी माइनर, ये बनेगा जी माइनर, दिस इज़ जी माइनर। तो हमने ई शेप कॉर्ड कर ली है, ई शेप बार कॉर्ड कर ली है। तो ई शेप बार कॉर्ड में क्या होता है, दो तरह की कॉर्ड्स होती है, एक ई मेजर शेप, एक ई माइनर शेप। दिस इज़ ई मेजर शेप एंड देन बार, एंड दिस इज़ ई माइनर शेप एंड देन बार। सो ये थी, तो बार कॉर्ड प्ले करने का तरीका क्या है, मैं आपको थोड़े से टिप्स दे देती हूँ। वैसे इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनानी थी, पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बार कॉर्ड प्ले करने का क्या होता है। कि आपको जो आप मैं प्ले कर रही हूँ बार कॉर्ड, वो जो है इस साइड से प्ले कर रही हूँ, ठीक है, अपनी फिंगर सेंटर से प्ले नहीं कर रही, इस साइड से प्ले नहीं कर रही, इस साइड से प्ले कर रही हूँ, ठीक है। सो ऐसे में आएगी ये दिस साइड, इस साइड वाली, जिस साइड निशान है उस साइड ही आपको जो है प्ले करना है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, आपको कोई बार कोड नहीं प्ले करनी है, आपको सिर्फ बार करना है, सिर्फ बार अपनी इंडेक्स फिंगर्स के, तो हर फ्रेट में करना है। पहले फर्स्ट फ्रेट से शुरू हो जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपनी मिडिल फिंगर की हेल्प ले लो थोड़ी सी और उससे अपनी इंडेक्स फिंगर पर प्रेस करो और फिर देखो सारी स्ट्रिंग सही बज रही हैं या नहीं। सारी स्ट्रिंग बजनी चाहिए। मान लो कुछ बस कर रहा है, आपको चेक करना है कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, कौन सी स्ट्रिंग नहीं बज रही। और जब तक आपकी सिक्स की सिक्स स्ट्रिंग्स बजने शुरू ना हो जाएं इस बार में, सिर्फ इस अकेले बार में, उसके बाद उस तब तक आप शिफ्ट नहीं कर सकते बार कोड करने में, ठीक है। थर्ड टिप मेरी ये रहेगी कि जब आप ये थोड़े इसमें ठीक ठाक करने लग जाओ ये चीज़, उसके बाद आपको फिर अपनी कॉर्ड्स प्ले करना शुरू करनी है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपको बार कॉर्ड ना यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है ना यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, सेंटर पे करनी है। आई थिंक थर्ड से फिफ्थ फ्रेट, अगर आपकी फिंगर्स काफ़ी लंबी हैं और आपका हाथ काफ़ी बड़ा है तो आप थर्ड से फिफ्थ फ्रेट में करिए, अगर आपके फिंगर्स छोटी हैं तो फिफ्थ से सेवन्थ फ्रेट में करिए। तो मतलब आपको बेसिकली थर्ड फ्रेट से लेके सेवन्थ फ्रेट के आसपास, एट्थ फ्रेट के आसपास प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे नहीं करना क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम होता है तो वो ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सो अगर आप यहाँ पे करते हो तो कितना वाइड है ये, आपको इसमें बहुत दिक्कत आएगी शुरू में, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्ले करना बेटर रहेगा इन फ्रेट्स के आसपास जहाँ पे। तो बाकी आप खुद भी देख सकते हो अपने फिंगर्स के हिसाब से आपको कहाँ पे सही लग रहा है वहाँ पे प्ले करो। और आपको अपना थंब इस तरह से रखना है, इस तरह से नहीं रखना, इस तरह से रखना है, ओके। तो ई माइनर और ई मेजर बार कोड सीखने का आपका फ़ायदा क्या है कि आप कौन कौन सी कॉर्ड्स प्ले कर सकते हो। आप एफ मेजर, आपको पता कैसे चलता है कि आप कौन सी कॉर्ड प्ले कर रहे हो बार में, जहाँ पे आप बार करते हो ना और आपकी फिंगर का लास्ट स्ट्रिंग जो टच करता है बेस स्ट्रिंग, यहाँ पे ये इस स्ट्रिंग को टच कर रहा है सिक्स स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट, तो ये जो नोट होता है वो एफ होता है। अगर आपको नोट्स नहीं पता तो आप लर्न कर लो। तो ये जो नोट होता है वो एफ होता है क्योंकि ये ई है, ठीक है। तो ये होता है एफ, ये होता है एफ शार्प, ये होता है जी, ये होता है जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। और ट्वेल्थ फ्रेट में बिल्कुल वही नोट वापस आ जाते हैं जो हमने ओपन में प्ले किए होते हैं, ये और ये नोट सेम है। अगर मैं ये कर रही हूँ तो ये कौन सी हुई, फिफ्थ फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग इज ए नोट, तो ये बनी हमारी ए मेजर। अब मान लो मैं ये प्ले कर रही हूँ, ये कौन सी हुई, जी माइनर, ठीक है। ये कौन सी हुई, ए माइनर, क्योंकि हम यहाँ पे कोई नोट हम प्ले नहीं कर रहे हैं, हमने कोई यहाँ पे फिंगर नहीं रखी, ओके। तो ये जो सारी बार कोड्स हैं ये सारी ई शेप बार कोड्स हैं, तो इसमें मैंने आपको सारी कवर कर दी हैं जितनी भी हम प्ले करते हैं मोस्टली।
So that's all for this video, and I'm going to see you in my next video. Okay, first I'm going to see you in comment section, and till then,